हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विथ डोरिन्स रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट एक रेसिपी। और ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली है पहले ये दो अंडे, उसके साथ मैंने ली है 4-5 चम्मच चीनी, 1 तेज़पत्ता 3 टुकड़े करके ली है, और 2 इलायची और 1 दालचीनी और थोड़ा सा नमक। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग स्किप करके मत देखिए। मैं पहले इलायची, 2 इलायची और दालचीनी को थोड़ा सा इसमें कूट लूँगी। और इसके साथ मैं ले रही हूँ, ये देखिए, मैं ले रही हूँ 1/2 लीटर दूध। और अब मैं बनाऊँगी अंडे की लस्सा, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और ये आप लोग अंडे की खीर भी कह सकते हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ और आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए। ये देखिए, मैंने गैस जलाकर दूध के पतीला भी सड़ा लिया है और अब दूध थोड़ा सा गर्म हो गया है। दूध पहले उबाल लूँगी, उबाल आने दूँगी। और पहले मैं जो इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता ली है वो मैं दूध में डाल दूँगी। ये रेसिपी बनाने की के लिए आप लोगों को ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बनाने में भी ये बहुत ही आसान है। दूध में उबाल आ गया है और अब हमें गैस की फ्लेम थोड़ा सा कम करना होगा और धीरे धीरे से ऐसे चलाते रहना है ताकि अच्छी तरह से दालचीनी, इलायची और तेज़पत्ता की फ्लेवर अच्छी तरह से दूध में मिल जाए। 2-3 मिनट आप ऐसे चलाते रहिए। और अब डालूंगी चीनी और फिर से ऐसे चला दूंगी ताकि अच्छी तरह से चीनी दूध में गल जाए। और अब डालूंगी थोड़ा सा नमक। मीठा में नमक अच्छा लगता है थोड़ा सा देने से। अगर आप लोग नमक नहीं देना चाहते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं। और चीनी आप लोग आप अपने हिसाब से दीजिए, ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं या कम, इसी हिसाब से आप चीनी मिलाइए। आप लोग ज़रूर एक बार ये रेसिपी बनाकर खाइए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और बच्चों को भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और अब हमें इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता निकाल देना है और इसके बाद ही हम अंडा डालेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से फ्लेवर निकल चुका है, दूध में मिल चुका है और अब ये हमें निकाल देना है। ये देखिए, इस तरह से आप निकाल लीजिए। जब ये खाएंगे तो मुंह में लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम ये निकाल रहे हैं। ये देखिए, मैं तेज़पत्ता, इलायची और दालचीनी निकाल लिया है और दूध में उबाल भी आ गया है। और इसी समय आप लोगों को अंडा दे देना है। अंडा पहले, ये देखिए, अंडा पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है और उसके बाद ही डालना है। ये देखिए, उबाल आ गया है और थोड़ा सा गैस की फ्लेम कम कर दीजिए और इसे चलाइए। ये देखिए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अंडा डालते रहिए। एक बार में ही सारा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। ये देखिए, ऐसे करके डालिएगे तो बहुत ही ये अच्छा बनेगा। ये देखिए, और फिर से डालिए। ये देखिए, ये ऐसे हमें बनाना है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा है। आप लोगों के घर में सबको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। धीरे से ऐसे चला लीजिए, धीरे से चलाइए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे से चलाइए। ये देखिए ऐसे, और फिर अंडे डालिए। बनाने में भी ये आसान है और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ऐसे ही अंडा डालकर आप लोग 2-3 मिनट ऐसे धीरे धीरे से चलाते रहिए और कितनी अच्छी तरह से, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से लस्सा बनी है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा
टेस्टी बनती है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। धीरे धीरे से ऐसे चलाते रहिए और लच्छा बनते रहेगा। और आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसे आप थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे से चलाते रहिए, और उसके बाद आप गैस ऑफ कर दीजिए। और आप इसे ही गरम गरम ही खा सकते हैं, या आप थोड़ा सा ठंडा करके या फ्रिज में रख कर भी खा सकते हैं। और अब मैं गैस ऑफ करूँगी और उसके बाद आप लोगों को निकाल कर दिखाऊँगी। ये देखिए हमारे अंडे की लस्से तैयार हो चुके हैं, और ये बनाने में भी आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर एक बार बनाकर खाइए और खिलाइए सबको, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप ये बनाकर खिलाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे। और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है, आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए, घर में सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को पहले ही मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।